सरकार चाहती है कि कोरोना की बूस्टर डोज वैक्सीन आपके हाथ में लगने की बजाय इस तरीके से आपकी नाक से दी जाए, क्योंकि रिसर्चर्स का मानना है कि कोरोना वायरस लंग्स में खत्म होने के बाद भी नाक के म्यूकस में ठहर जाता है। इसलिए हाथ में वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा फैल जाए। इस नेजल वैक्सीन को लगवाने के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे वो तो हम आगे देखेंगे ही, पर क्या सच में आपको कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज नाक से लेना चाहिए? देखो, ये तो आप जानते ही हो कि आपका इम्यून सिस्टम ही आपको बीमारियों से बचाता है। येल यूनिवर्सिटी में पब्लिश्ड एक रिसर्च में सामने आया कि कोविड-19 से लड़ने में mRNA वैक्सीन की इफेक्टिवनेस समय के साथ कम होती जा रही है, और हाथ में लगने वाली वैक्सीन की स्ट्रेंथ स्पेशली उन एरियाज में कम है जहां इन्फेक्शन से इंसान को बचाने के लिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यानी नेजल कैविटी, म्यूकोसा एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोरोना के स्प्रेड होने के सबसे ज्यादा चांसेस आपकी नाक से ही हैं, और नेजल कोविड वैक्सीन का सबसे इम्पोर्टेंट गोल ही ये है कि बॉडीगार्ड बनके कोरोना को नाक और मुंह पे ही रोकना। अगर बात करें प्राइस की, तो इस नेजल कोरोना वैक्सीन की प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में कॉस्ट है 800 रुपए प्लस GST और सरकारी सेंटर में कॉस्ट है 325 रुपए प्लस GST।